यूपी टेट के मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आइए देखते हैं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, विकास शुरू होता है। तो सबसे पहले हम यही जान लें कि आखिर विकास होता क्या है, क्योंकि विकास और वृद्धि दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लोग कहते हैं या आपको हर जगह पढ़ाया जाता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। सही बात है, पर जो हम लोगों को यहाँ समझना है वो कुछ अलग होगा। मैं ये कहता हूँ कि विकास जो होता है केवल एक बार होता है, जबकि वृद्धि उसमें होता रहता है। जैसे जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो बोलना सीखता है, तो विकास हो गया, बोलना सीखा विकास हो गया, पर जो पर डे नए नए शब्दों को सीख रहा है वो शब्द भंडार में उसकी वृद्धि वृद्धि ये होती है। जैसे हाथ बच्चे को एक बार मिलता है तो विकास हो गया हाथ हाथ का, पर हाथ की लंबाई जो बढ़ रही है डे बाय डे वो वृद्धि होती है। यानी आप समझ गए होंगे कि विकास केवल एक बार होता है, और जबकि उसके अंगों में या उसके शब्द भंडार में उसमें वृद्धि होती रहती है। अब आएंगे क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? विकास कब से शुरू होता है? तो विकास शुरू होता है वैसे अगर देखा जाए तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब 9 महीने पेट में रहता है वहीं से विकास उसका शुरू हो जाता है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपके उत्तर बाल्यावस्था है, तो उत्तर बाल्यावस्था हो नहीं सकता, और शैशवावस्था ये वाला पॉइंट्स आप मान सकते हो, पर ये वाला भी सही नहीं होगा। पूर्व बाल्यावस्था ये भी सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई नहीं। लेकिन इसका अगर सही उत्तर अगर माना जाए, इसका सही उत्तर होगा कि विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि विकास शुरू होता है कब से? प्रसव पूर्व अवस्था से जाता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से इनका विकास होता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, आपको जाना है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक विधि है, भावात्मक व्यवहार है, या कोई नहीं? तो जो चिंतन होता है वो आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है चिंतन? चिंतन संज्ञानात्मक हो सकता है कि मनोगतिक विधि हो सकती है, या भावात्मक व्यवहार में आता है? जब कोई वस्तु हमारे संज्ञान में होती है तो व्यक्ति चिंतन करना शुरू करता है ना। चिंतन शुरू कहाँ से होता है? ठीक है, मनोगतिक प्रक्रिया है, पर वो मनोगतिक प्रक्रिया कोई चीज संज्ञान में होगा तभी आप सोचना शुरू करोगे। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्या बहुत बार आया है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित होती है? पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, और चौथा है कोई नहीं। तो पहले तो हमको ये पता है कि इनके बारे में पूरा हमको पता हो कि भाई लॉरेंस कोहलबर्ग जो शब्द आ गया इनका टॉपिक, तो आपको हम जल्दी से बता देते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग है क्या। पहली बात तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो 3 स्तर दिए और प्रत्येक में 2-2 बातें थी। पूर्व परंपरागत स्तर क्या था? जिसमें 2 बातें आप जानते थे कि स्वार्थी बच्चा, दंड आज्ञा पालन।
अच्छा एक पॉइंट और आप बता दें कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता की बात कही जाती है, वास्तव में ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के विरोध का सिद्धांत था। और क्यों ऐसा मैं कहता हूँ, मेरा अपना ये मानना होता है कि विरोध तभी होता है जब किसी एक बात के लिए दो दो कंडीशंस हो जाए। जैसे आप पहला स्तर देखते हो पूर्व परंपरागत स्तर, वहां आप क्या देख रहे हो, दो बातें वहां पे आती हैं, एक तो स्वार्थी बच्चा, एक दंड आज्ञा पालन। यानी कि स्वार्थी बच्चे का मतलब क्या है कि मान लीजिए मिठाइयाँ आती है घर में, तो बच्चे को लगता है कि हमें ये सब चाहिए, पर दंड आज्ञा पालन मतलब जब माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं भाई और भी लोग हैं उनको भी तो चाहिए, तो यानी यही वाला उत्तर इसका सही भी होगा कि नैतिकता यहाँ पे बाह्य कारक प्रभावित कर रहे हैं, यानी माता पिता के द्वारा निर्धारित हो रहा है। और परंपरागत स्तर क्या है, परंपरागत स्तर में भी दो बातें होती हैं, एक तो होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की व्यवस्था, और दूसरा है कानून पालन की व्यवस्था की व्यवस्था। यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था ये बात होता है कि जैसे कंडीशंस आपको सेट करना है कि अगर उनका बच्चा सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है तो आपको भी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। जैसे और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपके साथ कल टिफ़िन शेयर किया था तो आपको भी आज अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करना चाहिए। डैट मीन्स आप यहाँ पे इस तरह से इसको लागू करोगे कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था किस तरह से परंपरागत स्तर में जाता है, जबकि दूसरा उसमें जो स्तर है मीन्स दूसरी पॉइंट जो बनता है कि कानून पालन की व्यवस्था की व्यवस्था। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हो जिसमें ये भाव खुद से ही होता है, उनको कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं से ही पढ़ेंगे, या कहना नहीं पड़ता है कि वो खुद से ही वो आपको खिला देंगे नाश्ता करा देंगे अगर आपने कराया है, तो वो कहना नहीं होता चीज़ें। और तीसरा आपका है उत्तर परंपरागत स्तर, तो ये सबसे बढ़िया है, इसमें दो, इसमें भी दो बातें हैं, एक तो आपका हो गया सामाजिक अनुबंध और दूसरा होता है सार्वभौमिकता की नैतिकता। सामाजिक अनुबंध क्या है, सामाजिक अनुबंध को आप ट्रिक बना सकते हो कि जैसे कंप्रोमाइज़ की भावना, जैसे आपने भी गलती किया है मैंने भी गलती किया है तो हम पुलिस के पास क्यों जाएं, है ना। और जैसे आप एग्जांपल चोर चोर नौसेरे भाई, यानी कि भाई गलती दोनों ने किया है तो क्यों हम पुलिस के पास जाएं, यहाँ पे कंप्रोमाइज होता है सामाजिक अनुबंध में। आपको इस तरह से प्रश्नों में सेट करना है बातों को समझ कर। और इसी में जो उत्तर परंपरागत स्तर का जो दूसरा पॉइंट कहता है सार्वभौमिकता की नैतिकता, ये सबकी भलाई चाहने वाला होता है। तो अगर प्रश्न में आता है कि सबकी जो भलाई चाहने वाला यानी नैतिकता का भाव किसमें पाया जाता है, तो चला जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर में। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारक द्वारा प्रभावित होती है, तो जिसमें चूंकि स्वार्थी बच्चा दंड आज्ञा पालन वाला पॉइंट है, आप वहां इस चीज को कहेंगे कि हाँ भाई पूर्व परंपरागत स्तर में चला जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक या सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, समूह में या वैयक्तिक रूप से। आपको पता है कि वैयक्तिक भी ठीक है, भाई बच्चा अगर सीखता है तो स्वयं से भी सीख सकता है, क्योंकि हर वैयक्तिकता का मतलब क्या है, वैयक्तिकता का मतलब ये कि कोई दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते, उनकी रुचि व क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, समूह में भी सही हो सकता है। और मुख्य रूप से, तो जहाँ ये केवल का भाव आ गया सिर्फ शिक्षक से ही, तो ये गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दोनों बातें आ गई, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीख सकता है, तो आप बिल्कुल आप जाएंगे ए वाले ऑप्शन में जिसमें मतलब दोनों बातें आ गई कि वो स्वयं से भी सीख सकता है और समूह में भी सीख सकता है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन देखिए मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अब एक एक ऑप्शन को आप देखिए, मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग ये अल्बर्ट बंडूरा का है, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बच्चा अगर टीवी देखकर, अगर उसमें कोई हीरो है, हीरो को देखकर खुद को हीरो ही समझने लगता है, या विलेन को देखकर खुद को विलेन ही समझने लगता है, तो वो मॉडलिंग है। अनुकरण आप जानते हो, नकल करके सीखना। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है संकुचित सोच, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। सृजनात्मकता होता क्या है, प्रश्नों का उत्तर मतलब आप करना सीखिए कि सृजनात्मकता का मतलब क्या है, जो टूटी फूटी चीजों से भी बड़ी चीजें बना दे, तो संकुचित सोच वाला व्यक्ति तो हो नहीं सकता, यानी ये अपसारी चिंतन वाला होगा जिसकी सोच बड़ी हो, विस्तृत हो,
तो सृजनात्मकता ये अपसारी चिंतन में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही सही होगा। अगले प्रश्न पे चलिए। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो थांडाइक होंगे, स्किनर होंगे, पावला होंगे, कोहलर होंगे। चलिए इसके साथ हम कई प्रश्न क्लियर कर लेते हैं। अगर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो थांडाइक हैं। सिर्फ मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम जेम्स हैं, ठीक है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहता है तो ही विलियम जेम्स हैं। और संरचनात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम वुंट हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन, तो विलियम वुंट ही हो जाता है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, एविंग हास हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन, थांडाइक। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का जनक कौन, विलियम जेम्स। संरचनात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन, विलियम वुंट। प्रयोगात्मक का भी विलियम वुंट। अधिगम मनोविज्ञान का एविंग हास। और एविंग हास ही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थांडाइक। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वही है, संरचनात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? मैं पहले ही बता चुका हूं कि विलियम वुंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन पे आइए, मैस्लो ने, कैटल ने, थांडाइक ने। तो आपको पता है मांग का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। मांग में क्या क्या मांगे थी, दैहिक मांग, सुरक्षा का मांग, आत्मसम्मान की मांग, तो वो सारी बातें किसी और वीडियो में हम इसको डिटेल से कर लेंगे। पर अभी आप जानिए हाँ कि मांग का सिद्धांत दिया था किसने, मैस्लो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? अब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया तो इसके बारे में पहले समझिए, एक कारक किसने दिया? बुद्ध का एक कारक सिद्धांत दिया था बेने और साइमन ने मिलकर। अच्छा, बुद्धिलब्धि का फार्मूला किसने दिया? तो जॉनसन ने दिया, स्टर्न जॉनसन ने दिया था। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु वो दे चुका था, लेकिन बाद में टर्मन ने आके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। यानी स्टर्न और जॉनसन जो है बुद्धिलब्धि का फार्मूला दे चुके थे कि मानसिक आय बटे वास्तविक आय, लेकिन बाद में आकर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, ये 100 से मल्टीप्लाई करके टर्मन ने अपना नाम कमा लिया कि भाई बुद्धिलब्धि का फार्मूला टर्मन ने ही दिया था। पर यहां पे आया बुद्धि का दो कारक किसने दिया, एक कारक कहता तो बिना और साइमन, पर दो कारक किसने दिया तो ये दिया है स्पीयरमैन ने। द्विकारक में आपको पता है एक होता है जी कारक, एक होता है यस कारक। जी कारक मतलब जनरल बुद्धि, ये हर व्यक्ति में पाया जाता है जनरल बुद्धि। लेकिन जो एस कारक होता है ये स्पेसिफिक है, मतलब विशिष्ट बुद्धि, ये किसी किसी में पाया जाता है। भाई हर व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मतलब ये विशेष लोगों में बुद्धि पाई जाती है और ये चीज़ उनका वातावरण डिसाइड करता है। तो आप जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। अगले प्रश्न पे आइए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है और कई बार पूछा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है। तो ये पहली बात तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, और किसने कहा है तो इसको कहा है गिलफोर्ड ने। तो अधिगम की परिभाषा स्किनर ने क्या दिया है, स्किनर ने दिया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो आप कहोगे सीखना तो अधिगम ही है, वो अधिगम और सीखना मतलब एक ही है अधिगम। अब आप चाहिए अधिगम ही कह दिए, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और रही बात विनय की, तो विनय जो है ये तो भाई बुद्ध के एक कारक का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बुद्धि को पहला प्रयोग किया। कोहलर, आपको पता है कि कोहलर के बारे में भी आप जानते होंगे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसको सूझ के सिद्धांत के नाम से भी आप जानते हो, है ना। तो आप समझ गए होंगे सारे ऑप्शंस पे मैंने चर्चा कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गिलफोर्ड। बाकी इसका पार्ट 3 भी मैं लाऊंगा, यूपी टेट के लगभग मैं कम से कम 8-10 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसे आप देखोगे तो बस उसी में से आपका लगभग हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप ऐसे मैं जो प्रश्न के ऑप्शंस बनाऊंगा वहां से आपका
मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन से भी बहुत सारे प्रश्न आपके सेट हो जाएं, कि आप जब ऑप्शन देखोगे तो वहाँ से भी, क्योंकि आप ऑप्शन देखते ही अगर आपके मन में बहुत सारे उत्तर नहीं निकल रहे हैं, जैसे गिलफोर्ड को देखते आपके मन में उनकी परिभाषा आ जानी चाहिए, स्किनर को देखते उनके अधिगम की परिभाषा आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए, विनय शब्दार्थ विनय के बारे में पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए, कोहलर आया तो कोहलर के बारे में पूरी पता होना चाहिए कि कोहलर क्या थे, कि गेस्टाल्टवादी थे कि व्यवहारवादी थे। अभी तो आपको ये भी जानना है कि भाई व्यवहारवादी कौन थे और गेस्टाल्टवादी कौन थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे पार्ट थ्री बहुत जल्द। और हाँ एक चीज़ और कहेंगे, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और अपना सुझाव ज़रूर हमें बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट दे सकें, बेहतर से बेहतर आपको समझा सकें। और चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी आप जुड़ने को कहिए। धन्यवाद आप सभी का।